माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। 31 माओवादी का डेड बॉडी कुल बरामद किए गए थे। काफी बड़ी संख्या में वेपन्स वगैरह भी रिकवर किए गए थे। आप सब लोग को विदित है, जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती ईस्ट बस्तर डिविजनल इलाका में थाना ओरछा एवं थाना बारसूर की सरगदी इलाका में तुलतुली नेंदूर गवाड़ी इस इलाके में ईस्ट बस्तर डिविजन कमेटी एवं कंपनी नंबर पीएलजे कंपनी नंबर 6 और पीएलजे प्रकरण नंबर 16 एवं अन्य माओवादी की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर दिनांक 3 अक्टूबर को डीआरजी दंतेवाड़ा डीआरजी नारायणपुर एसटीएफ टीम रवाना की गई थी अभियान के लिए। सर्चिंग के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को दोपहर से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों का डेड बॉडी कुल बरामद किए गए थे। इनमें से 13 महिला माओवादियों का डेड बॉडी और 18 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी है। और जैसा मुठभेड़ के पश्चात आज भी री एनफोर्समेंट टीम उसमें सीआरपीएफ के पार्टी भी थे और डीआरजी के अतिरिक्त बल एसटीएफ का बल सब आसपास इलाके में पुनः सर्चिंग किया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में वेपन्स वगैरह भी रिकवर किए गए थे। उसमें एलएमजी वेपन AK-47 इंसास एसएलआर 303 एवं अन्य ग्रेड वेपन्स भी काफी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड की, जिसका संख्या हम जो सॉफ्ट कॉपी में शेयर भी कर लेगा। और इस मुठभेड़ में जो बरामद की गई डेड बॉडीज का शिनाख्ती की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। अब तक कुल कितना का शिनाख्ती हुआ? 14 माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ। इसमें जो कंफर्मेशन जो अभी तक हमारे पास फिलहाल है उसमें डीकेएसएससी मेंबर नीति उर्मिला है, उसके अलावा जो डीबीसीएम सुरेश सालामे है और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 का जो पीपीसीएम कैडर का सोनू अर्जुन सोहन बुद्राम अनिल जनीला जमली इस प्रकार फूलो इस प्रकार कई माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ, जिसका भी हम डिटेल उनके ऊपर क्या क्या रैंक और इनाम कितना है उसका भी डिटेल थोड़ी देर में सॉफ्ट कॉपी में हम शेयर कर लेगा। और आप सब लोग का विदित है, मतलब वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी विरुद्ध अभियान संचालित की गई, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। आज दिनांक तक कुल 188 माओवादियों कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें उत्तर बस्तर से लेकर अबुझमाड़, दक्षिण बस्तर, पूर्वी बस्तर, पश्चिम बस्तर इस प्रकार समस्त इलाका में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप टोटल 188 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी इस अवधि में रिकॉर्ड किए गए थे। उसमें ये जानकारी भी मैं बताना चाहूंगा, यदि जिला वाइज यदि हम ब्रेकअप देखेगा, सर्वाधिक जिला बीजापुर में टोटल 51 माओवादियों के डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी इस अवधि में, और उसके पश्चात जिला दंतेवाड़ा में 49 और जिला नारायणपुर में 44 और जिला कांकर में 35 और अन्य जिला में सब मिलाकर टोटल 188 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें खासतौर पर वर्ष 2024 में जो बाहर प्रांत के रहने वाला जो माओवादी कैडर है उसका टोटल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें डीकेएसएससी जोगन्ना, डीकेएसएससी रंधेर, डीकेएसएससी रूपेश जो अलग अलग प्रांत का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा इन प्रांतों का रहने वाला माओवादी कैडर, उसमें एसीएम लक्ष्मी शंकर राव डीवीसीएम इस प्रकार कुल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। आमतौर पर पूर्व में देखने मिलते थे कभी भी मुठभेड़ होते हैं भारत के माओवादी कैडर द्वारा जो स्थानीय माओवादी कैडर के ह्यूमन शील्ड रूप में इस्तेमाल करके उन्हें सामने छोड़कर पीछे से वो लोग भाग जाते, लेकिन इस साल जितना भी अभियान संचालित किए गए थे सुरक्षा बल का टैक्टिक्स बेहतरीन रहा। सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग बेहतरीन अभियान के कारण से जो आपस कोऑर्डिनेशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट फोर्स और मल्टीपल फोर्सेस का भी आपस में तालमेल बेहतर होने के कारण से माओवादियों का अपना डेरा छोड़कर भागने का बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिल पा रहा, इसलिए एक एक मुठभेड़ में 30 से अधिक डेड बॉडी, फिर इसके पूर्व में अप्रैल महीने में कांकर में भी टोटल 29 डेड बॉडीज रिकवर की गई थी। इस प्रकार जो ऑपरेशन आउटकम काफी अच्छा सकारात्मक और पॉजिटिव रहा और छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में ये सर्वाधिक एक दिन का हुआ मुठभेड़ में, एक साल में हुआ मुठभेड़ में सर्वाधिक डेड बॉडीज कल की मुठभेड़ में टोटल 31 डेड बॉडीज रिकॉर्ड किए गए थे। इस अभियान के दौरान
पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साहब, एडीजी साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी साथ साथ शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं भारत सरकार से भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा इस अभियान के फल की जानकारी प्राप्त की जा रही थी। स्वयं कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिला का भ्रमण में थे। इस दौरान लगातार एक्शन में उन्होंने गतिविधि के बारे में अपडेट लगातार उन्होंने प्राप्त किया और गैलेंस भी दिया थे। देखिए, हमारे सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने ही पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी।